जिन लोगों की किडनी पहले से ही खराब है वे लिक्विड कम से कम सेवन करें। सब्जियों में पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो आपकी खराब किडनी और डैमेज कर सकती है। साथ ही ये भी कोशिश करें कि केन्ड आइटम्स, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड को डाइट में शामिल ना करें। किडनी रोगी क्या खाएं और क्या नहीं? किडनी हमारे बॉडी का कितना ज़रूरी हिस्सा है ये तो आप हम दोनों ही जानते हैं। ये किडनी ही है जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि किडनी केवल 1 मिनट में कम से कम आधा कप ब्लड को फिल्टर कर देती है। और ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि हमारी केवल एक किडनी में ही 10 लाख छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है, और इनका काम ब्लड को साफ रखना होता है। लेकिन अगर यही किडनी के फिल्टर सही से काम नहीं करते तो बॉडी में कई तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। चलिए जान लेते हैं कि आखिर किडनी क्या फिल्टर करती है। तो बता दें, इसमें शामिल है वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड्स, सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस। यही वो चीज़ें हैं जिन्हें हमारी किडनी फिल्टर करने का काम करती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट की, जिसमें शामिल है प्रोटीन। जब प्रोटीन भी कई तरह का होता है, लेकिन हम बात करेंगे एनिमल प्रोटीन की क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खाया जाता है, जैसे कि फिश, मीट, एग्स, दूध, दही, पनीर। एनिमल से बनी ये सारी चीज़ें बॉडी में सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बनाती हैं। इसमें हैवी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर किडनी के फिल्टर पहले से ही सही से काम नहीं कर रहे तो वह उस प्रोटीन को बाहर नहीं निकाल पाएंगी और किडनी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। ऐसे में अगर आपको प्रोटीन्स खाना भी है तो दालें, छोले, चने, राजमा, स्प्राउट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इसी में दूसरे नंबर पर आते हैं फ्लूइड्स यानी कि पानी या लिक्विड। अब किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना और उसे बॉडी से बाहर निकालना। ऐसे में अगर किडनी को फिल्टर सही से काम कर रहा है तो वो पानी को आसानी से बाहर निकाल पाएगा। लेकिन अगर आपकी किडनी के फिल्टर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो आप जितना पानी पियेंगे वो या तो आपके फेफड़ों में जमा हो जाएगा जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, या पैरों में जमा होने लगेगा जिससे पैरों पे सूजन आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में जिन लोगों की किडनी पहले से ही खराब है वह लिक्विड कम से कम सेवन करें क्योंकि इसमें पानी आपकी बॉडी में जमा होने लगेगा और आगे चलकर परेशानी खड़ी कर देगा। वही हम अगर तीसरे नंबर पर आते हैं या तो है सोडियम यानी कि सॉल्ट या नमक। बता दें कि सोडियम बीपी बढ़ाने और बॉडी में पानी जमा करने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ऐसे में जितना हो सके हमें कम से कम नमक खाएं और एक्स्ट्रा नमक का भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। साथ ही ये भी कोशिश करें कि केन्ड आइटम्स, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड को डाइट में शामिल ना करें क्योंकि इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा नमक यानी कि सोडियम पाया जाता है जो किडनी की हेल्थ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वहीं इसमें अगले नंबर पर आता है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जिसे किडनी आसानी से फिल्टर नहीं कर पाती और ये सबसे ज़्यादा सब्जियों और फलों में पाया जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि आप अपने खाने में उन सब्जियों को कम से कम लें जिनमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, और उनमें शामिल है आलू, टमाटर, कद्दू, पालक, भिंडी। इन सब्जियों में पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो आपकी खराब किडनी और डैमेज कर सकती है। वही हाई क्वांटिटी में पोटेशियम वाले फल भी शामिल हैं जैसे केले, संतरे, पपीता, खरबूजा और आखिरी में आम। इनका सेवन करने से भी बचना चाहिए क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से यह किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
वहीं हमें इसमें आखिरी नंबर पर आता है फास्फोरस, जो खास तौर पे कुछ चीजों में पाया जाता है, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप जैसी कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरस का, और दूध से बनी चीजों में भी होता है, जैसे कि पनीर, दही, मक्खन, इसी तरह की। इन सभी में फास्फोरस की ज्यादा मात्रा में होने से ये आपकी किडनी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। फास्फोरस का एक सोर्स मीट भी है, फिर चाहे वो चिकन हो, मीट मीट हो या रेड मीट हो, इन सभी में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में जिन लोगों को किडनी पहले से ही खराब होती है, वे अपनी डाइट में इन चीजों को ले रहे हैं, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से सलाह दे पाएंगे कि आपके लिए खाना ठीक है या क्या नहीं, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, और अगर आप चाहते हैं किडनी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो किस पे बने तो वो भी आप कमेंट जाके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स। नमस्कार।